चलिए अब आते हैं अप्रैल पर, जहां पर आईफोन आपका वेट कर रहा है। इसका मतलब शाओमी ने तो दोस्तों जैसे ही ठान लिया है कि 50-55 वॉट में उनका कुछ नहीं होगा, बट आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि आईको को इंडिया के साथ ऐसा भेदभाव करना चाहिए। साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और कई सारे स्मार्टफोन्स इन 10-12 दिनों में लॉन्च हो भी चुके हैं, लेकिन इस साल एक के बाद एक हर महीने कई और स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, यानी कि स्मार्टफोन्स की लाइन लगने वाली है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स, मैं हूं शिवम चौधरी, और आज के इस वीडियो में मैं आपको साल 2022 में लॉन्च होने वाले बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं। इनमें से कुछ स्मार्टफोन्स इसी महीने लॉन्च हो जाएंगे, कुछ फेब में होंगे, मार्च में होंगे, सितंबर में होंगे, और दिसंबर तक जो है ये पूरी एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है। हालांकि उन सभी स्मार्टफोन्स के जो लीक्स हैं वो अभी से आने शुरू हो गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, ये फोन S22 सीरीज का सबसे हाई एंड डिवाइस है। खास बात यह है कि इसके डिजाइन में इस बार आपको कोई कैमरा मॉड्यूल देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही नया एस पेन भी होगा। इस स्मार्टफोन को कंपनी दो प्रोसेसर ऑप्शंस, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 या फिर एक्साइनस 2200 के साथ पेश कर सकती है। रही बात लॉन्च की, तो या तो जनवरी या फिर फरवरी 2022 में S22 सीरीज को लॉन्च किया जा सकता है। इस साल का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन है OnePlus 10 Pro। जी हाँ, OnePlus 10 सीरीज का यह स्मार्टफोन चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, बस अब कभी भी भारत में पेश किया जा सकता है। इस बार ये फोन बिल्कुल नए एल्पाइन ग्रीन कलर में लॉन्च किया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको LTPO OLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 जनरेशन 1 चिपसेट मिल रहा है। Realme GT 2 Pro की बात अब हम करने वाले हैं दोस्तों। Realme GT सीरीज की तरह ही ये सीरीज भी काफ़ी शानदार रहने वाली है। हालांकि लीक्स में जो इमेजेस सामने आई हैं उससे इसका डिज़ाइन काफ़ी कुछ OnePlus 9R की तरह लग रहा है, और इस फ्लैगशिप डिवाइस में भी आपको Snapdragon 8 जनरेशन 1 चिपसेट देखने को मिल सकता है। Realme GT 2 सीरीज भी जनवरी या फिर फेब में लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों Xiaomi 11i के दो स्मार्टफोन्स हाइपरचार्ज और 67 वॉट वाला नॉर्मल 11i ऑलरेडी भारत में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इस सीरीज का एक स्मार्टफोन और है जो आपका वेट कर रहा है। आइए जानते हैं उसके बारे में। ये स्मार्टफोन है Xiaomi 11T Pro, देखने में 11i जैसा ही है, लेकिन यहाँ भी आपको 120 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट और स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर का साथ दिया जा रहा है। Xiaomi 11T Pro का लॉन्च 19 जनवरी 2022 को फाइनल हो चुका है। जनवरी फरवरी मार्च की बातें हो गई हैं, चलिए अब आते हैं अप्रैल पर, जहां पर आईफोन आपका वेट कर रहा है। iPhone SE 3 या फिर कहूं कि iPhone SE 2022 अप्रैल के महीने में लॉन्च किया जा सकता है। ये iPhone A15 बायोनिक चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा, और हमेशा की तरह एप्पल की तरफ से अफोर्डेबल कैटेगरी में लॉन्च किया जाएगा। अब नंबर आता है iQOO 9 Pro का। जी हाँ, iQOO 9 सीरीज का ये स्मार्टफोन है। ये सीरीज भी चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन विद स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट। लेकिन रिसेंटली कुछ लीक सामने आए हैं जिनके अकॉर्डिंग इंडिया में कुछ अलग स्पेक्स होने वाले हैं, और इंडिया में इसको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है। बट आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि iQOO को इंडिया के साथ ऐसा भेदभाव करना चाहिए। आपकी क्या इस बारे में राय, जल्दी से फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। Google Pixel 6 की बात अब कर लेते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह अगस्त के महीने में इस स्मार्टफोन का लॉन्च देखने को मिल सकता है। इस बार डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव किए जाने की उम्मीद है। फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, साथ ही इसे टेंसर GS101 चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है। स्टॉक एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की बात हो ही रही है, तो हम मोटोरोला को कैसे भूल सकते हैं। मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा ये स्मार्टफोन है जो कि इस साल लॉन्च हो जाने की उम्मीद है। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा, और यहां आपको 60 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगा देखने के लिए मिल जाएगा। Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 11 सीरीज की सक्सीडर, Xiaomi 12 सीरीज का ये स्मार्टफोन भी स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट पर पेश किया जाएगा। इसमें आपको 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 108 मेगापिक्सल कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। इसका मतलब Xiaomi ने तो दोस्तों जैसे ही ठान लिया है कि 50-55 वॉट में उनका कुछ नहीं होगा, या तो 67 वॉट होगा या फिर 100 वॉट होगा या फिर 120 वॉट होगा। खैर, अब बात सैमसंग की कर लेते हैं। सैमसंग की तरफ से इस साल ए सीरीज में A53 और A73, तो वहीं एम सीरीज में M53 का लॉन्च किया जाएगा। तीनों ही स्मार्टफोन्स बजट और मिड बजट सेगमेंट को कैटर करेंगे, और काफी बदला हुआ डिजाइन और न्यू कलर्स इस बार इनमें देखने को मिलने वाले हैं। अब बारी आती है iPhone 14 की, जो कि साल 2022 का एक सबसे बड़ा लॉन्च होगा। हमेशा की तरह सितंबर के महीने में इसे लॉन्च किया जाएगा, और एप्पल इस बार भी सभी को सरप्राइज करने का प्लान कर चुका है।
वीवो भी इस साल अपनी फ्लैगशिप X सीरीज को आगे बढ़ाएगा और X80 सीरीज का लॉन्च आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 3 स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं। देखना ये होगा कि अब डिज़ाइन में और क्या बदलाव किया जाता है, ज़ाइस के साथ कोलैबोरेशन रहता है या नहीं, और कैमरा कितना ज़्यादा और बेहतर इस सीरीज़ का कर दिया जाएगा। द आइकॉनिक मोटो रेजर की तीसरी पीढ़ी यानी कि मोटो रेजर 3 को भी इस साल लॉन्च किया जाएगा विद इम्प्रूव्ड हिंज, बेटर डिजाइन एंड मोर फीचर्स। बाकी स्मार्टफोन्स कैसा हो सकता है ये आप इमेजेस में देख ही रहे हैं। एट लास्ट नाउ टॉक अबाउट द ओप्पो फाइंड X4। जी हाँ, ये स्मार्टफोन भी आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा। डिजाइन वाइज काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगा और हमेशा की तरह नई इनोवेशन के साथ कंपनी आपका वेट इस साल भी कर रही है। So, दोस्तों ये थे 2022 के वो सभी स्मार्टफोन्स जो इस पूरे साल सुर्खियां बटोरते रहेंगे। खैर, इन सभी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करके मुझे एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि साल 2022 स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट के नाम रहने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि मोस्ट ऑफ द जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स थे उन सभी में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट मिलने वाला है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि मैंने इसमें सभी स्मार्टफोन्स को कवर किया है, कुछ एक स्मार्टफोन्स रह भी सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे उनके बारे में बता सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में।